finally. संजय भाई मोस्टली इसमें छोटा सा भूमिका हमारा भी है, कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप फिल्म के निर्माता भी हैं, कैसे फिल्म प्रोड्यूस करने का सोचा आपने, फिल्मों में आने में? भाई साहब हमारा बहुत सोच रहा था बनाने का, अच्छे लोग हमारे साथ थे, सुबह हमारा भाई है, मैं सोचा कर लूँ। देखेंगे ऐसा सुनने में आया कि प्रेम का रोल कर रहा है। हाँ देखने की कोशिश करेंगे। मटरू जी के बारे में क्या कहेंगे? मटरू जी के बारे में खुद मटरू जी बोलेंगे। तो आप बोलिए तो अच्छा लगेगा। नहीं भाई है हमारा और बहुत पुराना कलाकार है, काफ़ी फिल्में इंडस्ट्री की है और बाकी तो आप लोग जानते हैं इसके बारे में। कब से शूटिंग शुरू होगी, कहाँ पे करेंगे? अच्छा इस फिल्म के हीरो सुहाग जी हैं, उनके बारे में दो चार कुछ बताएं कैसे? अरे वो बंदा बहुत अच्छा है, वो हमारे इतने बारे में बोल रहा हूँ, जितना बोलो काम है उसके बारे में। कब से फिल्म की शूटिंग आप लोग कर रहे हैं? अभी टीम मीटिंग हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट रुको, तू तो गड़बड़ कर दे, रुक जा रुक जा, बाद में रोल कर लेना। बोल देता हूँ, बोल, रोलिंग हो गया। सबसे पहले नमस्कार, आप सभी आए, हम सभी कलाकारों के हौसले को बुलंद किया। ये फिल्म आलम भाई ने बहुत मेहनत से लिखी है, करीबन दो साल से इस प्रोजेक्ट पे मेहनत कर रहे थे। और ये फिल्म हर कोई कहता है, क्योंकि हर एक की फिल्म जो होती है उसके लिए बच्चा होता है, तो इसलिए हर कोई कहता है कि सुपर डुपर हिट होगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस कहानी का जो स्क्रिप्ट है वो हीरो है। आलम भाई का यही कहना है कि पहले हीरो मेरा स्क्रिप्ट, उसके बाद सेकंड हीरो उनका गाना होता है, उस फिल्म के म्यूज़िक। बिल्कुल बिल्कुल सर। और उसके बाद फिर कलाकारों का जो चयन करते हैं वो उनके किरदार के अनुसार चयन करते हैं। यह फिल्म की स्टोरी बहुत ही, कहानी बहुत ही बेहतरीन है। और मैं इसलिए कहानी को एक्सपोज नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर फिल्म की एक्सपोज कर देंगे, अंजना जी भी आ गई हैं, तो अंजना जी फिर क्या बताएंगे अगर मैं सारा एक्सपोज कर दूंगा। प्लीज वेलकम अंजना जी, क्या बात है, आइए अंजना जी, आइए 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 आइए। और एक और एक और एक और चेयर पर बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं आइए रह जाएगा तो मजा नहीं आएगा ना सब। फिर तो कुछ लोग नाश्ता पानी भी करेंगे, अपन आप फोड़ेंगे, आप टेंशन मत लो, अपन फोड़वाते ना। रही आइए भैया, आइए, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, राम भैया है, लाओ लाओ अखिलेश भाई, अखिलेश भाई नारियल लाइए, भाऊ जी आए हुए, हमारे भाऊ जी आए। बेटा बेटा बेटा, बात बात तक में साला वो नहीं, तो एक ऐसा लगता है तुम लग गया एक साइड वो जान दीजिए, छोड़ कोई टेंशन, कोई कोई टेंशन नहीं भाई। ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब, आदमी क्या नाम याद है, सुरेश जी है उसे। हाँ सुरेश जी, चलिए। यस सर, हाँ। तो जैसे पहले प्रभु परमात्मा अल्लाह सबको हम कलाकार याद करते हैं, और नारियल फोड़ के हमने शुभ 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 हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है। अंजना जी भी आ गई हैं, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि अच्छे कलाकारों के साथ मुझे भी मौका मिलता है। अंजना जी खुद ही बहुरानी में आप लोगों ने देखा, एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस का मतलब किरदार इन्होंने निभाया है। फिल्म की कहानी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे उस समय, और फिल्म के बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये वाकई में पिछले दो साल से जो मेहनत हो रही है आलम जी की, आलम जी की प्यार होके रही, राइट है सर, प्यार होके रही। आप सभी जानते हैं इनकी एक बहुत ही सुपरहिट फिल्मों में नाम आता है, और कोशिश ये करते हैं जो अक्सर मैं बता दूँ सर कि प्रोड्यूसरों को जिंदा रखना इनका काम है, जो बहुत ही अहम होता है। ये ऐसे ही कुछ कोशिश करते हैं जिसके चलते ये अच्छी सिनेमा बनाए, लोगों को पसंद आए। मैंने फिल्म की स्टोरी के लिए आपको इसलिए मना किया था कि अगर हम अभी स्टोरी बनाए दें तो आपको फिर सिनेमा में जाकर उसका आनंद उठाने में उतना मज़ा नहीं आता है, इसलिए हम आपको, आप सभी से हम माफ़ी चाहेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि आपकी उत्सुकता, आपकी एक्साइटमेंट डेफिनेटली पर्दे पर नज़र आएगी, आप देखेंगे जब इन सभी कलाकारों को। मैं चाहूँगा कि अंजना जी भी अपनी इस आज की जो मुहूर्त है उस फिल्म के बारे में कुछ कहिए। अंजना, सबसे पहले तो हमरा के देखे वाले सभी दर्शकों के अंजना सिंह के प्रणाम बा। और हम सबसे पहले तो अपने डायरेक्टर को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहेंगे। मैं फ़र्स्ट टाइम महमूद आलम जी के साथ काम कर रही हूँ, काफ़ी अच्छे टाइटल के साथ, काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट के साथ में,
और हमारी स्क्रीन पे ये जो जोड़ी ऑलरेडी बहुरानी में काफ़ी पसंद की गई, शुभम जी के साथ में वापस साथ में काम करने का मौका मिल रहा है, तो काफ़ी लकी हूँ और होप कि हमारी टीम बहुत अच्छी है और फिल्म बहुत अच्छी बनेगी. ऑल द बेस्ट सर. थैंक यू सेम ईयर. जो मैं हूँ नहीं रियल में आपके सामने हूँ. अब सौगंध सुहाग के बारे में तो टाइटल ही सब कुछ बता रहे हैं. क्या किसकी सुहाग अब फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा किसकी सुहाग उड़ती है. सस्पेंस देखिए स्टोरी तो खैर ऑलरेडी उसी टाइम की है, लेकिन एक सब्जेक्ट जिसे पहले जैसे फिल्में आती थी जिसे आप करीब 70 के दशक में देखिएगा आपकी. सबसे पहले मैं भोजपुरी फिल्म में ये देखता हूँ कि स्क्रीन प्ले जो होता है बहुत लूज होता है. अब बैठो तो थोड़ा सा आदमी थोड़ा सा नींद आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं. इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि स्क्रीन प्ले इसका इतना टाइट है कि अगर कोई भी ऑडियंस अगर बैठेगा मूवी देखने के लिए तो उसको बैठ उठने का और बाथरूम भी जाने का मौका नहीं मिलेगा. मैं देने वाला नहीं हूँ बिल्कुल. इसके अलावा इसमें जो किरदार ने जो मैंने मल्टीप्लेक्स करके बना है जैसे अंजना जी है जो संध्या के कैरेक्टर है, कन्हैया के कैरेक्टर में जो उन्होंने सुमन जी को लिया है, जो ठाकुर के कैरेक्टर में जो संजय जी को लिया है, और सबसे मेन सब्जेक्ट जो माँ का है जो अपने प्रण के लिए अपने बेटों को एक खंभा बनाती है और एक मतलब चट्टान बनाती है कि नहीं मेरा बेटा ही सब, तो उस कैरेक्टर के लिए जो परफेक्ट है वो किरण यादव जी. तो जो मल्टी जो आर्टिस्ट का जो मेरा सब कुछ कलेक्शन है तो बहुत बेटर है. और मैं जानता हूँ ये फिल्म ऑलरेडी जानते प्यार होकर इसे कि ऑलरेडी उस पिक्चर के बारे में काफ़ी चर्चाएँ होती है. गाने भी अच्छे हैं, स्क्रिप्ट भी अच्छा था और आर्टिस्ट की कास्टिंग एक फिल्म के लिए बहुत बड़ी मायने होता कि कास्टिंग जो करेक्टर अगर फिल्म में स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा है उसका उसके हिसाब से मेलजोल होना चाहिए आर्टिस्ट. तो ये सबसे बड़ा चीज़ है इसमें मेरी फिल्म में सब लोग कास्टिंग के हिसाब से मैंने सबको कास्टिंग किया है. जो करेक्टर है उसके हिसाब से मैंने कास्टिंग किया और ऑलरेडी मेरे हिसाब से और जिस जो आर्टिस्ट मिले हैं उसके हिसाब से बेहतरीन पिक्चर बनेगी. और आने वाले समय में लोग कब से फिल्म शूटिंग शुरू कर रहे हैं जी? हम अगस्त में इसको हम कर रहे हैं. अंजना जी और सुगम जी के हिट जोड़ी है देखा गया इस फिल्म में तो लालच में नहीं साइन किए हैं? देखिए मैं तो सब्जेक्ट पर साइन किया हूँ. पीछे क्या है क्या नहीं है मेरे को अपने सब्जेक्ट पर विश्वास है क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरा अपना मानना होता है कि मैं स्क्रिप्ट को हीरो मानता हूँ और जो फिल्म के सॉन्ग से होते हैं मैं इसको हीरो मानता हूँ. बाकी आर्टिस्ट तो उसके खंभे हैं. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. तो ये चीज़ मेरा सब्जेक्ट है. और ऑडियंस इस फिल्म को कब तक देखेंगे? अब मान के चले अगस्त में हम शूट करेंगे तो सितंबर अक्टूबर तक मान के चले मार्केट में आ जाएगी पिक्चर. जैसे इस फिल्म में है एक हूँ तो जैसे गरीब किरदार है इसके अंदर एक, लेकिन रहता है रहीस जब, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ. जब सारी बातें जब खुलती है राज खुलता है तो पता चलता है कि ये भी एक बड़े परिवार से है. और लेकिन बिगिनिंग से जो फिल्मों में रखा गया है इन्होंने, इसलिए मुझे महमूद जी ने कहा कि भाई देखिए शुभम जी आप किसी भी चीज़ को एक्सपोज मत करिएगा. मुझे और अंजना जी को स्पेशली बोला गया था कि आप दोनों जो किरदार कर रहे हैं आप उसको एक्सपोज मत करिए क्योंकि लोग आपसे जो अपेक्षा रखते हैं आप अगर स्क्रीन पर ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाएंगे उसमें ज़्यादा लोगों को मज़ा आएगा. इसलिए मैं उस किरदार के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा. लेकिन इतना है कि दो शेड है मेरे, अंजना जी का जैसे एक अपना एक शेड है वैसे मेरा दो शेड है. और फिल्म में बहुत कुछ है. इसके म्यूज़िक के लिए मैं आज भी कहता हूँ आप लोग जितने भी लोग यहाँ इस वक्त हमारे इस मुहूर्त में आए हैं उनसे मैं एक ही बार रिक्वेस्ट करूँगा जब भी ये फिल्म रिलीज़ हुई इसके गाने ज़रूर आप सुनिएगा. जो देहाती ठेठ गाने, आज तो हमारे पप्पू जी भी यहाँ पर आए हैं, पप्पू खन्ना साहब, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि सर आए. हमारे इंडस्ट्री बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं. मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि इस फिल्म के जो गाने हैं आप वो गाने सुनेंगे तो वाकई में आपको अपनी मिट्टी की खुशबू नज़र आएगी इस गाने में. सो थैंक यू. इसके लिए स्पेशल थैंक अगर दिया जाए तो नौसाद प्रीतम जी का है कि ऑलरेडी ये लोग बनारस से जुड़े हुए हैं संगीत से और उनके पिताजी भी उसी लाइन से जुड़े हुए थे. तो उनकी जो गाने को कंपोजिंग करने का जो तरीका है मतलब कि बिल्कुल देश जिस हिसाब से आप सिचुएशन दीजिएगा मुझे इस टाइप के गाने चाहिए. तो उन्होंने जो मतलब इसका गाने का पूरा मल्टीटेक जो बना रखा है कि ऑलरेडी जब मार्केट में आया तो लोगों को खुद पसंद किया. उसके पहले फिर प्यार होकर ही गया, उसके अलावा आग ले लग जाती थी, तो उनमें उन्होंने बेस्ट काम किया है इसके लिए गाने के लिए. ऑलरेडी वो लोग मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनका ही समय होगा जिस हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं और जिस हिसाब से काम करके आगे बढ़ रहे हैं. मैं इसके अलावा बिनोद जी हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, मैं उनको भी यहाँ पर बुलाऊंगा कि आप सभी एक बार हमारे टीम के साथ दो दो लाइन वापस प्लीज़ एक बार. और मटरू जी हैं, उसके बाद राम भैया हैं हमारे साथ, ये हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं. और पप्पू सर हैं, पप्पू सर है ना? हाँ पप्पू सर रहिए. मैं आपको सर आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी वाकई में खुशनसीबी है पप्पू जी के साथ. मैंने एक गाना, ऐसे गाने बहुत किए लेकिन एक गाना
भैया हमारा दयावान, आपको बताऊंगा उस फिल्म का एक गाना करीबन उसमें 2 लाख ऊपर क्लिक हुए हैं, 2 लाख से ऊपर भी क्लिक हुए हैं उसमें, और सिर्फ मात्र 6 महीने भी नहीं हुए होंगे, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। थैंक यू सर, और बड़े कॉन्फिडेंस से गाना करवाया था आपने जी सर। मैं चाहूँगा 2 लाइन हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। बस मेरे तरफ से शुभकामना आप लोग के लिए, और ये हॉल एक एकेडमी खुल रही है, एक नया डांस, मैं हमेशा इनके साथ रहूँगा, हमेशा कुछ हेल्प चाहिए हमेशा आऊँगा जी, क्योंकि मेरे को बुलाया, मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और हो गया It became such a rage in